प्रज्ञाचलोकान् भुक्ता भोगाष्टा पुनरपि ईशनोद्भाषितान् कामजन्यान् पीडिता सर्वान् विशेषान् स्वपति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया सङ्ख्यातुरीयं परमामृतमयं ब्रह्मयत्तन्नलोषि अथर्ववेदीय मांडूक उपनिषद पर विचार करते हुए इसका जो चौथा प्रकरण है इसका नाम है अलाप शांति का, इसके ऊपर विचार करना है। इसके पहले आगम प्रकरण के द्वारा श्रुति वाक्यों के आधार पर जगत की मिथ्यात्व सिद्ध हुआ, उसी को युक्ति के द्वारा पुष्पित या श्रुति अनुकूल युक्ति के द्वारा वैतत्व प्रकरण। सारा चीज जब मिथ्या सिद्ध होता है तो पूर्ववादी शंका करते हैं कि तब अद्वैत मिथ्या होगा, परंतु अद्वैत पारमार्थिक सत्य है इसको श्रुति और युक्ति के आधार पर तृतीय प्रकरण में सिद्ध करते हैं। अंतिम में ये कहे कि नकसिद्धम सत्यम यत्र किंचित न जायते सबसे अच्छा सत्य कही है, तब ये जो प्रतिज्ञा वाक्य है जिसको पुष्ट करने के लिए हेतु अनुष्ठान को लेकर उसको समझाने के लिए अलग सांख्यिक प्रकरण शुरू हुआ है। तो यहाँ पे वहाँ तक पढ़ लिया था हमने, जो पहले जो है उपदृष्टि नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं मतलब हम ये हमारी परंपरा की मर्यादा है कि हम किसी भी ग्रंथ के शुरू में हम क्या करते हैं मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण मतलब तत्व प्रधान मंगलाचरण हो सकते हैं, तत्व विषय जो जैसे पूर्ण मतलब पूर्ण विधान, एक नमस्कारात्मक एक प्रार्थनात्मक भगवान ये जो अथवा भगवान आपको नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पे जो है नमस्कार मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं, मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं, तत्व प्रतिपादन के माध्यम से मंगलाचरण, और एक होता है कि नमस्कार करना मंगलाचरण, क्योंकि ग्रंथ की मतलब ग्रंथ की प्रचार हो लोक माध्यम में जाकर के इसको पढ़े इसीलिए मंगल। और तृतीय होता है क्या कि जो है हमारी गुरु परंपरा के प्रति हमारी श्रद्धा दिखाने के लिए नमस्कारात्मक वस्तु तत्व प्रतिपादनात्मक, और एक जो है कभी क्या बोला था मैंने गुरु परंपरा को जो है नमस्कार करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऐसा कुशलता के साथ मंगलाचरण करते हैं, यहाँ पे क्या किया मंगलाचरण ने कि जो है तत्व प्रतिपादन भी किया और नमस्कार भी किया, क्योंकि अद्वैत सिद्धांत को बोध कराना चाहते हैं तो इसका मंगलाचरण भी अद्वैत की तरह ही होना चाहिए। तो अद्वैत मतलब भेद रहित जो मंगलाचरण है, भेद रहित मंगलाचरण को दिखाने के लिए हमें क्या कह दिए कि ज्ञानेन आकाश कल्पेन धर्मान जो गगनोपमन, ज्ञान भी आकाश के समान है और जो जीव है वो भी आकाश के समान है, और इसके द्वारा जो जानने योग्य वस्तु है वो तो है ही ज्ञेय अभिन्न लोग, ज्ञेयों के साथ एक होकर के जो समझते हैं वो द्विपद परम मतलब मनुष्य में जो सृष्टि है पुरुषोत्तम नारायण को मैं प्रणाम करती हूँ, अथवा जो जिस तत्व को जानते हैं उसको मैं प्रणाम करती हूँ। इसका कहाँ तक पढ़ लिए थे टीका चल रहा था टीका चल रही तदहि स्तरे नान्य एकल न्याय, यहाँ तक पढ़े आवित ने पेज 199 फर्स्ट वर्ड पहला वर्ड तक पढ़े आवित न्यायो व्यतिरेक न्याय। आवित न्याय मतलब क्या हो गया वहाँ पे भगवान भाष्यकृत आवित न्याय ने अगाध शांति आरंभ किया थे, आवित न्याय के द्वारा अगाध शांति प्रकरण को शुरू किया जाता है। तो आवित न्याय क्या है मैं बोला था वित्त न्याय मतलब अन्याय व्यक्ति, और आवित न्याय मतलब व्यतिरेक व्यक्ति निश्चित मुख से प्रतिपादन करना, ये नहीं है ये नहीं है, इसलिए निश्चित का अवधि के रूप में जो बचते हैं उसी को जो अधिष्ठान भी परम सत्य है। ठीक है तो तब असंबद्ध दर्शनात्म यदि संबंध मतलब इस जो राग देश की आस्पद परस्पर विरुद्ध जो दर्शन है
वो जो है यथार्थ तो दर्शन नहीं है। और जो राग द्वेष से रहित, क्योंकि राग द्वेष ही मगर बंधन का ही हेतु है, जिसमें किसी के प्रति कोई विरोध नहीं करता। क्यों आप कैसे बोलेंगे हमारा आपका दर्शन में किसी के साथ विरोध नहीं है, कैसे सिद्ध होगा? वेदांत तो दर्शन किसी के साथ विरोध नहीं करते, कैसे सिद्ध होगा, कैसे बोलेंगे आप? यदि आपको पूछते हैं कि आप बोलते हैं कि आपका किसी के साथ कोई विरोध नहीं है, तो क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है आपका? आप भी तो लड़ाई करते हैं, आप भी तर्क संग्रह की मतलब तर्कवाद आपने बनाया। लॉजिक यही है, हम सभी को अपना आत्मा मानते हैं, किसी के साथ हमारा भिन्नता नहीं, हम सभी के अंदर स्वरूप भूत होकर के बैठा हुआ है, और आत्मा कभी किसी का विरोधी नहीं होता। होता पता, आत्मा स्वरूप भूत जो बैठा हुआ ना, बुद्धि मन उसके माध्यम से दिखाई पड़ता है, मन विरोध करता है, मन शत्रु जैसा बनता है। आत्मा भी आत्मा न मन तो आत्मा ही बड़ी पूरा कर, हम भी आत्मा को शत्रु बोला, मन को शत्रु बोला, किंतु आत्मा कभी भी किसी के साथ कोई विरोध नहीं करता, वो सभी को समान रूप से अभिव्यक्त करते हैं, प्रकाश करते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार मेरे को मैं असंग पूर्ण व्यापक आत्मा ऐसे समझ गया, वो किसके साथ कैसे विरोध करें? इसलिए हमारे दर्शन में इसके साथ कोई विरोध नहीं है, तो सभी का आत्मभूत होकर बैठा हुआ है। ये फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे बोल रहे हैं आप? हाँ, व्यवहारिक जगह का आप सिद्धांत के साथ हमारे सिद्धांत में विभिन्न शास्त्रों के आधार पर उसको लेकर के शास्त्र हो सकता है, हम तो अंतर समय किसी के साथ कोई विरोध नहीं। इसको संस्कृत में एक श्लोक है, इसमें हम सबको आत्मा ही मानते हैं, ये तो वेदांतिक मुख्य सिद्धांत है, हम आत्मा गुरा के शोषण को होता है, नहीं तो सभी के वहाँ पे अहम आत्मा बोला रस मैं सभी के अंदर आत्म रूप में बैठा हुआ हम आदिश्च अंतश्च भूतानां अन्तर्वच मध्यश्च भूतानां अन्तर्वच। ये एक श्लोक है भगवद गीता के श्लोक है जो हम भगवान जी जो इस भाव को समझ जाते हैं वो भी किसी के साथ विरोध होना संभव नहीं है। इस चीज को समझना है हमको, क्योंकि वेदांत तो शब्दार्थ तो समझना अलग बात है, और इसके अंदर गुण रहस्य को अनुभव करना वो एक से और आगे है, जहाँ पे सारा शब्द हट जाते हैं, शब्द कुछ काम नहीं करेगा वहाँ। तो यहाँ पे आवित न्याय बोलते हैं व्यतिरेक न्याय, हम 10 नंबर टिप्पणी में बोलते हैं व्यतिरेक न्याय मतलब व्यतिरेक व्याप्ति इति अर्थ, ठीक है? हाँ, इस पंक्ति को भी पढ़ लिए थे हमने, जब कृतकम तद अनित्यम, ठीक है ना? व्याप्ति है, क्या व्याप्ति है? जो कृतिशब्द होगा वो अनित्य होगा, और उपनिषद के वाक्य है ये, नास्ति अकृत कृते न नहीं अध्रुवे प्राप्त ही ध्रुवम तत्, दो बार अमुंडक उपनिषद कर लो उपनिषद, ठीक है ना? नास्ति अकृत कृते न, जो अकृत वस्तु सिद्ध वस्तु जो है उसको किसी साधन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। नहीं अध्रुवे प्राप्त ही ध्रुवम तत्, अनित्य साधन के द्वारा नित्य वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता, हम गज्ञ जी के तब ये बोलते हैं। इसलिए उसी को लेकर जब कृतकम तत् अनित्यम, जो कृति शब्द होगा वो अनित्य वस्तु, ठीक है ना? तो अन्य किसी भी कर्म उपासना के फल के तुलना में ज्ञान के फल में कोई भी भिन्नता नहीं होता यदि ज्ञान से मुक्ति होती। यदि ज्ञान क्रिया के फल मुक्ति होती तब ये भी एक फल ही जैसा होता, परंतु ऐसे वेदांतिक सिद्धांत नहीं है। तुम नित्य मुक्त हो, तुम्हारे अंदर बंधन कभी आया ही नहीं, अज्ञान से अपने को बंधन समझ रहे थे, बस उत्तम मिल जाता है, अज्ञान हट जाते हैं, बंधन हट जाते। जत्कृतकम तद अनित्यमिति अन्वया, ये अन्वय व्याप्ति है, 6 नंबर टिप्पणी में देखो तो अन्वय दीदी अन्वय व्याप्ति, ये अन्वय व्याप्ति है ना? मृत्तिका सत्य घट सत्यम, ये अन्वय व्याप्ति का है ना? मृत्तिका अभाव है घट अभाव, व्यतिरिक व्याप्ति है, मृत्यु कारण नहीं है तो घट भी नहीं होगा, व्यतिरिक है। जत्कृतकम तद अनित्यम, मृत्तिका संभव है, मृत्तिका सत्य घट सत्यम, कारण होने पर कार्य होता है, कारण नहीं रहने पर कार्य, व्यतिरिक व्यक्ति मृत्यु का भाव घटा भाव है, व्यतिरिक व्यक्ति बोलते हैं। यहाँ पे जो है तत्कृतकम तक अनित्यम, जो कृति शब्द होता है जो कर्म शब्द वस्तु होगा वो अनित्य होगा, ठीक है ना? अनित्य अवगत, इस प्रकार से यदि किसी साधन के द्वारा ये तत्व प्राप्त हुआ था तो निश्चित ही अनित्यत्व अनित्य होगा। अब तक शास्त्र बोल रहे हैं जब न अनित्यम, शास्त्र क्या बोलता है? नहीं अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण, यानी कि जो नित्य है वो क्या हो जाएगा? कृति शब्द नहीं हो सकता, वो कृति शब्द नहीं हो सकता है। इसलिए यह बोलते हैं जब न अनित्यम न तत्कृतकम, ये व्यतिरिक व्यक्ति है, आवित नहीं है यहाँ, ठीक है ना? अवित नहीं, टीका का नहीं कितना सुंदर समझा, जब न अनित्यम, शास्त्र उसको नित्य बोला मतलब अनित्य नहीं है वो, जब अनित्य नहीं है वो कृति शब्द भी नहीं है,
ठीक है ना, वो कर्म साध्य भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जल न अनितम न तत्कृतकम उपकृति व्यतिरेक अपनी, उसका भी व्यभिचार होगा। मतलब क्या है, वो अनित नहीं है, ठीक है, मतलब वो नित्य है, परंतु कृत शब्द होगा, क्योंकि कई बार ऐसा मानते हैं कि आप जो है उपासना, कर्म और उपासना के माध्यम से ब्रह्म भाव को प्राप्त करोगे, अभी ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म भाव को प्राप्त करोगे। तो यदि ऐसा ही है तब तो तुम्हारा इससे वो फल होगा, तो वो तो अनित्य ही होगा। तो कोई बात इसको व्यभिचार की शंका करते हैं, इसलिए बोलते हैं जब न अनितम न तत्कृतकमिति व्यतिरेक व्यभिचार शंका निराशित व्यक्ति निश्चय मिश्र, तो व्यक्ति को निश्चय कराने के लिए यहाँ पे ऐसा कहते हैं, यहाँ पे ऐसा अविष्ट होने के कारण। देखो फिर 6, 7, 8, 3 टिप्पणी बोलते हैं। 6 नंबर अन्वय, मतलब अन्वय व्यक्ति रीति अर्थ। 7 नंबर व्यतिरेक अपनी व्यतिरेक व्यक्ति अपनी व्यतिरेक, व्यक्ति में भी व्यभिचार हो सकता है, तो वहाँ पे व्यभिचार नहीं है, ये व्यक्ति में कहीं व्यभिचार नहीं है, जैसे तक कम तक अन्यतम, ये भी व्यभिचारी व्यक्ति नहीं है, और इसीलिए इसका व्यतिरेक में भी व्यभिचार नहीं है, ये कहना चाहते हैं। व्यक्ति निश्चयार्थम अन्य व्यक्ति दाढ़्यार्थम, व्यक्ति निश्चय मतलब जो व्यक्ति है जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ बंधी, इस व्यक्ति को दृढ़ करने के लिए, इस व्यक्ति को दृढ़ करने के लिए, मतलब जहाँ धुआं नहीं है वहाँ बंधी भी नहीं है, जहाँ धुआं नहीं है वहाँ बंधी भी नहीं है, है ना, मतलब बंधी नहीं है तो धुआं नहीं है, अब धुआं नहीं दिखाई दे रहा आपके, बंधी नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे जो अनित्य नहीं है, जो अनित्य नहीं है, ठीक है ना, वो कृत शब्द भी नहीं है, क्योंकि जो कृत शब्द होता है वो अनित्य होता है। हाँ, अन्य व्यक्ति दाढ़्यार्थम, व्यक्ति निश्चयार्थम, अन्य व्यक्ति मतलब इससे कैसे सिद्ध करना चाहता है, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो एक समय आएगा जहाँ पे हर साधन छोड़ना पड़ेगा। ये अन्य व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति क्या है, यद कृतकम तद अनित्यम, आत्मा नित्य वस्तु है, आत्मा वहां पर स्थिर होना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा, हर साधन को छोड़ना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ऐसे नहीं बोले थे कि सर्वधर्म परित्यक्त, क्योंकि यदि आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आपको धर्म धर्म अधर्म तो पहले से छोड़ना पड़ता है, धर्माचरण से भी हटना पड़ेगा, धर्माचरण से हटना पड़ेगा। इसीलिए आप बोलते हैं अन्य व्यक्ति दाढ़्यार्थम तथा, यहाँ से आज का पाठ है, तथा तर्कत संभावितस्य आगमेन अवगतस्य अपि प्रतिपक्ष भूत वागांतर अपाकरण प्रपंचम अंतरेण पाक्षिक असम्मकत्व शंकास्य अद्वैत दर्शनस्य इति तत्प्रतिषेधेन तत्सिद्धि उपसंहर्तव्य इति अलात शांति दृष्टांत उपलक्षित आरभ्यते प्रकरणमिति अर्थ वस्त्रकर्कतो। बिल्कुल जैसे शब्द शब्द याद है, लगातार लिखते जाते हैं, इसी प्रकार से तथा, इसलिए इस एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, मतलब इस व्यक्ति के बल पर, इस व्यक्ति के बल पर तर्कत संभावित युक्ति के द्वारा जो समझा जाता है, क्या समझा जाता है, आत्मा नित्य है, इसलिए आत्मा कृति शब्द नहीं हो सकता, युक्ति के द्वारा हम समझ सकते हैं। आगमेन अवगतस्य, शास्त्र भी ऐसा ही दिखाया, शास्त्र अनुसूति अनुकूल तर्क के द्वारा आप समझ गया कि आत्मा विकृति शब्द वस्तु नहीं है, वो होने पर भी प्रतिपक्ष भूत वादांतर हमारे विरोधी, एक आप ही हमारे पास जो है 13 दर्शन, अच्छे अस्तिक नास्तिक दर्शन में एक अद्वैत दर्शन के सिद्धांत विलक्षण है, ये सारे वादियों ने जो अलग अलग सिद्धांत है उस सिद्धांत को स्तुति अनुकूल तर्क के द्वारा जब तक हम मतलब दूषित नहीं करते तब तो वो तो सही है, वो तो सही, क्योंकि आपको देखने में वही सही लगता है, विशेष करके सांख्य दर्शन में जो कहा हुआ है हमको देखने में तो वही लगता है सही, प्रकृति सब होता है, पर वहाँ पे क्या कमी है, ये ब्रह्म सूत्र में अच्छी तरह से देखे, इसलिए आप बोलते हैं यहाँ पे ये जो अनंत वादियों के जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को थोड़ा थोड़ा उठा करके क्या कमी है उसको दिखाएंगे, इसीलिए अलग शांति प्रकरण शुरू किया जा रहा है। इसलिए बोलते हैं संभावित आगमेन अवगत सभी प्रतिपक्ष भूत बालांतर, अपने विरोधी जो बालांतर है सिद्धांत अंतर है, अपाकरण प्रपंचम अंतरेण उसको निराकरण थोड़ा सा विस्तार के बिना, उसका निराकरण थोड़ा सा विस्तार के बिना पाक्षिक असम्मकत्व शंका से, तब क्या हो जाएगा, एक पक्ष में ये आपका दर्शन सही नहीं है, क्यों यही है, हमने ब्रह्मसूत्र में देखी जा रही, सोचिए ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय में असमन्वय अध्याय में सारा श्रुति वाक्य को समन्वय ब्रह्म में है, यही भी ब्रह्मसूत्र समाप्त हो सकता था, आपका तो शुद्ध कर दे, श्रुति का अभिप्रेत ब्रह्म है,
परंतु हम समाप्त नहीं किया। क्यों? अन्यान्य वादियों की मत जो है वो बहुत बलवान होकर बैठा हुआ है, उन वादियों की मत में श्रुति में कहां थोड़ा विरोध हो रहा है? यदि वो हम नहीं दिखाते तो हमारा मत सिद्ध सम्मत है, कैसे सिद्ध होगा? इसलिए महर्षि वेदव्यास को जो है आपका तर्कपात तो मतलब एक एक आपका समन्वय है और दूसरा हो गया आपका अविरोध आपको दे दिया जाते हैं जिसमें किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। अविरोध दिखाने के लिए उसमें स्मृति पाद, तर्क पाद और फिर वीरत पाद और प्राण पाद, चार पाद है द्वितीय अध्याय में। प्रत्येक अध्याय में चार चार पाद है। द्वितीय अध्याय जो है आपका अविरोध आख द्वितीय अध्याय है, उसमें चार पाद में स्मृति पाद, तर्क पाद, वीरत पाद, प्राण पाद। स्मृति पाद में क्या है? सभी अन्य स्मृतियों में कैसा कहा गया उसको उद्धृत करके दिखाया, श्रुति में श्रुति के साथ का विरोध है। अब द्वितीय पाद में वो लॉजिकली क्या, उन्हीं के सिद्धांत को उन्हीं के लॉजिक के द्वारा खंडन किया। द्वितीय तर्क पाद में उन्हीं के सिद्धांत को उन्हीं के लॉजिक उन्हीं के पक्ष में युक्ति उसी को द्वारा देखा, तुम्हारा सिद्धांत तो तुमने ऐसा बनाया तो यहाँ पे तुमने सिद्धांतों को नहीं मान उल्लंघन कर दिया, ऐसे करके यही चीज अलग शांति प्रकरण में छोटे में दिखाई। अलग शांति प्रकरण में इसके पहले अद्वैत को सिद्ध कर दिया आपने, अद्वैत प्रकरण में अद्वैत पारमार्थिक सिद्ध सिद्ध कर दिया, परंतु अन्य वादियों की जो मत है उस मत की शाखा तो वो भी तो अपने को आगम मतलब श्रुति अनुकूल मत मानते हैं, वह तो कहाँ पर श्रुति के साथ आपका विरोध हो रहा है वो दिखाने के लिए ये अलग शांति प्रकरण शुरू कर दिया। तथा तर्क तो संभावित आगमेन अवगत प्रतिपक्ष भूत वादांतर अपाकरण इसके विरुद्ध जो वादांतर है उसको निराकरण प्रपंचम अंतरे न पाक्षिक सम्मतत्व विस्तार के द्वारा नहीं करेंगे, एक पक्ष एक पक्ष लेकर के बोलेंगे तो हमको संदर रह जाता है शायद अद्वैत दर्शन अद्वैती इस अद्वैत दर्शन में या आधा भाग सही है आधा भाग सही नहीं है, इस प्रकार से जो शंका किसी के मन हो सकती थी। तत्प्रतिषेध है इसीलिए पुण्डकों की बात अन्य वादियों के सिद्धांत को थोड़ा निराकरण करने के लिए तत्सिद्धि उपसंहार तब इस अद्वैत की सिद्धि को उपसंहार करना चाहिए, ठीक है? जैसे ओम इतिदत अक्षरम ब्रह्म तदिदकुम सर्वम इसके द्वारा जो प्रतिज्ञा किए थे उसके हम उपसंहार में तत्सिद्ध उपसंहार इति। इसलिए अलात शांति दृष्टान्त उपलक्षित अलात शांति क्या है? उत्तम सत्य किंचित ना जाए इसी जो ये जो प्रतिज्ञा किए थे उसको दृष्टान्त समझाने के लिए अलग शांति दृष्टान्त उपलक्षित आरभ्य थे उसको यहाँ पे शुरू किया जाते हैं आरभ्य थे अलग प्रकरणम, ठीक है ना? इस प्रकरण को शुरू किया जाता है। एक भी शब्द श्रुति में आपके शास्त्रार्थ में आप एक भी शब्द अधिक नहीं बोल सकते हैं, लोग अपने घर स्थान में पहुँच जाएंगे। आप इसके बाद इसको क्यों बोल रहे हैं? ब्रह्मसूत्र में चार अध्याय क्यों बनाया गया मान लो? पहले आपका समन्वय अध्याय, हम समस्त श्रुति वाक्य को समन्वय ब्रह्म में ही है ऐसा दिखाया। अन्य वादी में किसी ने प्रधान में ले गया, किसी में परमाणु में ले गया, तो वो क्यों नहीं हो सकता है? उसको दिखाया, उसको दिखाया। और वियत पाद में मतलब सृष्टि श्रुति को लेकर के जो विरोध दिखाई पड़ता है, किसी ने आकाश से उत्पत्ति, किसी जल या तेज से उत्पत्ति, कहीं ऐसे मुट्ठी भर उत्पत्ति, ये सब जो है इससे स्पष्ट रूप में कह दिया हमारे सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, सृष्टिकर्ता में तात्पर्य है। फिर उसके ऊपर प्राण को लेकर के जो प्राण वायु कितना इंद्रिया कितने इंद्रियों की संख्या कितना है, इंद्रिय गम्य तो बनेगा, इसको लेकर के प्राण पद में विचार किया। ये दो अध्याय। तीसरा अध्याय का क्या नाम है? जो बात है वहां पर गति को लेकर के संसार गति को लेकर के दिखाया गया। फिर विवेक पूर्वक उसको समझना द्वितीय पद में। तृतीय यदि आप इसको नहीं समझ पाते हैं तृतीय अध्याय तृतीय अध्याय तब उपासना के प्रसंग मतलब गुणोपसंहार पाद तृतीय और चतुर्थ पाद में तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद में आकर के ज्ञान से ही मुक्ति है। यद्यपि हम उपासना के द्वारा अंतकर से ज्ञान से ही मुक्ति है और वो मुक्ति के लिए परम पुरुषार्थ के साधन के इसको लेकर के विचार। चतुर्थ अध्याय में क्या नाम है उसका? फल अध्याय में जो पहले जो उपासना के थोड़ा बचा कुचा हिस्सा था उसको लेकर के पहला पद में विचार हुआ। उसके बाद जो प्रारंभ कर ध्यान से आपका क्या होता है? संचित कर्म और क्रियमान कर्म नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म ज्ञानी को भी बचा हुआ रहता है, उसको भोगता है, क्योंकि नहीं तो ज्ञान का प्रचार नहीं होना पड़ेगा।
ज्ञान के बाद यदि ज्ञानी का शरीर समाप्त हो जाता है तो इस मत का प्रचार करने वाला कोई नहीं है। इसके बाद जो है गति, गति को लेकर के यदि जहाँ उपासना के माध्यम से गति प्राप्त करके उस मार्ग पाद है, फिर वहाँ पे वादी भाई देवताओं के नाम लेकर के दो बाद में गति आदि को समझें और अंतिम में जब मुक्ति विफल अनियम है उसको लेकर के समझें फल। तो उपासना के फल स्वरूप ब्रह्मलोक फल प्राप्ति कैसे होता है और मुक्त कैसे होता है उसको लेकर के विचार करें। पूरा ब्रह्मसूत्र ही संक्षिप्त रूप है, यहाँ भी ऐसा ही देखना कि सही भी हमारा यही है। सिद्धांत को पहले बोले थे, सिद्धांत को बोलने के बाद जो है उसको शुद्ध के बाद उसके बाद युक्ति के द्वारा सिद्ध करेंगे, शुद्ध का अन्य वाद्य भी सिद्धांत है उसको या शुद्ध के बाद प्रसाद क्या दिया था वो दिखाएंगे और इसका फल कैसे प्राप्त हो। पूरा परिषद की शैली ऐसी है, व्याख्यान शैली ऐसी है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तथा तर्क संभावित आगमेन अवगत विकल्प के द्वारा जिसको इसका होना संभव है ये दिखा करके फिर श्रुति वाक्य के द्वारा उसको समझा देने पर भी प्रतिपक्ष भूत वादांतर भंग, क्योंकि एक ही श्रुति को आपने भी पढ़ा हमने भी पढ़ा। अब देखिए एक ही व्यासदेव से महर्षि जैनमिनी भी मतलब उपनिषद को पढ़ते हैं, उपनिषद वेद को पढ़ा और शुकदेव भी पढ़ा। महर्षि जैमिनी का लगा कि वेद की तात्पर्य कर्मकांड में है और सुखदेव की लगा वेद की तात्पर्य भाग्य में है। भाग्य लगा सीधा उसका पिता की पुत्र कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग गए, पिता मोहित हो गए सुखदेव। आप देखिए एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति से दो अलग अलग व्यक्ति पढ़ने से उसका रिजल्ट एक ही हुआ, क्योंकि व्यक्ति की जन्मांतर संस्कार अलग करके लिखा। उसके बाद मतलब यही देखिए ये जन्मांतर संस्कार क्या काम करते हैं। एक ही व्यक्ति से आप दोनों उत्तम अधिकारी हैं, दोनों को जमन से मस्त में सामान्य व्यक्ति नहीं थे, परंतु तो एक के कर्म कांड में वेद के तात्पर्य दिखा और एक एक वेद के तात्पर्य संन्यास में ज्ञान में है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि प्रतिपक्ष भूत वादांतर और ये वेदवादी है ना, परंतु वेद के सिद्धांत को अन्य रूप में ग्रहण किया और उसमें वेद के तात्पर्य नहीं है इसको समझाने के लिए एक अलग शांति प्रकरण को शुरू किया जा रहा है। इसलिए पाक्षिक सम्मगत शंका से अद्वैत दर्शन से ही तत्प्रतिषेधे न तत्सिद्धि उपसंहर्तव्य। इसलिए उस वो अन्न तत्प्रतिषेध मतलब अन्न वाद्यों के सिद्धांत को निराकरण करते हैं तत्सिद्धि मतलब अद्वैत सिद्धि। जब तक दो तीन प्रोनाउन आ जाते हैं ना तब वहाँ पे अच्छी तरह से रुक करके समझ में किसको बोलना चाहते हैं तत्सिद्धि उपसंहर्तव्य उसको उपसंहार करना चाहिए थी। इसलिए अलग शांति दृष्टान्त उपलक्षित प्रकरणम आरम्भ है। तो अलग शांति रूप दृष्टान्त उपलक्षित जो है यहाँ पे जो अलग शांति प्रकरण को शुरू किया जाता है। एक नौ नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रही है इसको, है ना, अलात शांति दृष्टान्तेन इतर प्रकरणेभ्यो व्यवर्तितम इति अर्थ। ये देखो अलात शांति ये दृष्टान्त अन्य तीन प्रकरण में जो कहा उससे थोड़ा भिन्न होगा। ये जब तक उस प्रकरण का उस श्लोक को हम उद्धृत करेंगे उसमें भगवान दास बोले इसको वहाँ से उद्धृत कर रहे हैं आपको दृढ़ करने के लिए, इस भाव को दृढ़ करने के लिए। अलात शांति दृष्टान्त न आपने प्रतिज्ञा किया थी एक उत्तम सत्यम जत्र किंचित न जाए। कि सबसे अच्छा सत्य क्या है कि जहाँ पे कोई वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती। इसको किस दृष्टांत के द्वारा समझाएंगे, अलग शांति दृष्टांत के द्वारा समझाएंगे। मतलब जिस प्रकार एक लट्ठी के माथे पे आम चला करके घुमाएंगे तो कितने प्रकार के आकार दिखाई पड़ता है। अब बताओ जब वो लट्ठी घूमना बंद हो जाता है तो उस जो आकार की उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ पे लय प्राप्त हुआ, ना आकार की उत्पत्ति हुई ना आकार की लय प्राप्ति है। प्रपंच यदि विद्यत निवर्तित न संशय, यदि प्रपंच यहाँ पे विद्यमान होता ना निश्चित इसको अब उड़ा से क्रैश कर सकते थे, पर तो है ही नहीं इसको क्या कर लच्ची को बस सर पर पारमार्थिक हुई होती तब उसको लट्ठी से मार सकते थे नाश कर सकते थे, तो है ही नहीं। तो कभी कल्पना मात्र है, माया निद्रा में शो करके देख रहे हो, जैसे ही माया निद्रा से जगह इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, सत्यत्व नहीं रहता। इसीलिए बोलते हैं इस प्रकरण को शुरू किया जाता है नौ नंबर अलग शांति दृष्टांत न अलग शांति इतर प्रकरण है व्यवहार तो अन्य प्रकरण से इसका थोड़ा भिन्नता है को दिखा सकते हैं इसको शुरू किया जाता है। अच्छा विशेषेण यहाँ पे आगे विशेषेण स्पष्टम इत बीत स न भवति इति अबीत। जहाँ पे विशेष स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है उसको बोलते हैं बीत न और न बीत अबीत अभीत एव आभीत। जैसे बंधु एव बांधव वयस एव वायस पुरुष एव पुरुष
दीर्घ हो जाता है वो, इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे बीतन न्याय बोले ना, व्याप्त अन्याय व्याप्ति, बीतन न्याय को बोलते अन्याय व्याप्ति। और जहाँ पे अन्याय व्यक्ति की आत्मा के समान कोई वस्तु है ही नहीं, अन्याय व्यक्ति कहाँ से दिखाएंगे आप, इसलिए व्यतिने के दिखाना पड़ता है। विशेष है न स्पष्टम इत, इससे इसको देख करके विशेष रूप में स्पष्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं बीत, ठीक है ना, जिसको देख करके विशेष रूप में स्पष्ट हो जाता है बोलते हैं बीत। और स न भवती, इस प्रकार विशेष रूप से दिखा करके ये आत्मा है ऐसा करके नहीं दिखा सकते, ये घड़ा है ये तो दिखा सकते हैं, विशेष है ये, विशेष है, परंतु यहाँ पर नहीं दिखा सकते, इसलिए अभीत, इसलिए अभीत, इसलिए हमें बोलते हैं विशेष न स्पष्टम इत, ये हो गया बीत। स न भवती, वो ऐसा होना संभव नहीं है, उसको बोलते हैं अभीत। और अभीत एव आवीत, बंधु एव बांधव है ना, वयस एव वायस, पुरुष एव पुरुष, ऐसा तत्व होता है, उसको प्रयोग करते हैं। यहाँ भी देखिए 10 नंबर 11 नंबर टिप्पणी, ठीक है, 10 नंबर टिप्पणी, इत इति अवगत इति अर्थ है, इससे ये समझ में आता है, इत अवगत इत बीत है ना, इत अवगत इन गतो धातु है ना, गम धातु का तो बोध भी होता है, अंडरस्टैंड भी होता है, अवगत बोध होता है ना, तो बोलते इससे वो समझ स्पष्ट रूप में समझ में आता है, बीत मतलब अवगत है ना, इत इति अवगत इति अर्थ अवगत अन्वय, अन्वय व्याप्ति मतलब इसको देख करके अन्वय व्याप्ति, मृतिका है तो घरा है, ये अन्याय व्यक्ति घरा देख कर इसके कारण अन्याय समान, मृतिका के विद्यमान न्याय के कारण ही घरा उत्पन्न हुआ। इस प्रकार कार्य को देख कर हम निश्चय करते हैं कि इसका कोई ना कोई कारण है, कारण के बिना कार्य होना संभव नहीं है। अब उस कारण को स्पष्टीकरण करने के लिए फिर निषेध मुख्य मतलब है, जिसमें हम कारण का दिखा रहा है उसमें वास्तविक कारण का नहीं है, प्रत्येक वस्तु है निश्चय हो जाता है। इसलिए बीतः अवगत अन्वय अन्याय व्याप्ति रीति अर्थ, यहाँ पर अन्याय व्याप्ति के द्वारा स्पष्ट रूप में वस्तु समझ में आता है, स न भवती, इस प्रकार वस्तु को स्पष्ट रूप में नहीं दिखाया जा सकते, इस न्याय में वो हो गया आवित न्याय। अच्छा, अवित एव आवित, बंधु एव बांधव, इस प्रकार प्रयोग होता है यहाँ पे, इति न्यायेन व्यतिरेक न इति अर्थ, न्याय क्या है, व्यतिरेक न्याय, व्यतिरेक न्याय बोलते, व्यतिरेक न्याय न, व्यतिरेक न, व्यतिरेक न्यायस्य, व्यतिरेक न, व्यतिरेक न्यायस्य, व्यतिरेक न्याय है, यदि ये नहीं होता, यदि कोई कारण नहीं होता तो कार्य भी नहीं होता, जैसे वृत्ति का सत्य घट सत्य, वृत्ति का अभाव घटाभाव, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, यदि कोई कारण नहीं होता तो आप ये कार्य भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, यानी कोई कारण रूप में है वहाँ पर दिखाई नहीं दे। एक चीज हमेशा समझना है, जिस प्रकार मान लीजिए यहाँ पे कुछ चित्र बना हुआ है, आपको चित्र का नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु चित्र देख करके आप समझ जाते हैं कि नहीं कि कोई चित्रकार इसको बनाया है कि नहीं। इसी प्रकार से ये जगत के भी चित्र यदि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं तो आपको इतना निश्चय होना चाहिए कोई ना कोई चित्रकार है इसका, वो आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार यदि आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, दृष्टा नहीं दिखाई दे रहा, दृश्य समझ में आ रहा है, तब क्या है, कोई दृष्टा जरूर है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप अपने अंदर की ओर देखो, कहाँ कहाँ देख सकते हो आप, अपने मन को बुद्धि के द्वारा देखते हैं, बुद्धि को बुद्धि के विचार को आप साक्षी के द्वारा, साक्षी भाषा होते हैं, अपने अहंकार मन, आपको लगेगा कि अहंकार से मैं देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, अहंकार को आप देख रहे हो, अपने अहंकार को हम समझते हैं ना, अब अहंकार को कैसे समझा, अपने दृष्टा नहीं दिखाई देगा किंतु उसके पीछे साक्षी दृष्टा बैठा हुआ निश्चय हो जाए, कोई मेरा शुरू है, दृश्य यदि समझ में आता है तो दृष्टा जरूर होगा, दृष्टा जरूर होगा, दृष्टा के बिना विश्व सम, अदृश्य कभी दृश्य, दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता, तब कोई दृश्य सिद्ध ही नहीं होगा, दृष्टा यदि दृश्य बन जाता है तो दृश्य सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, क्या कोई दृश्य सिद्ध ही नहीं होगा, इसलिए दृष्टा दृष्टा ही रहेगा, हमेशा दृष्टा रहेगा, ठीक है ना। इस भाव से जो आप इसको समझ सकते हैं, इसलिए न्याय ना व्यतिरेक नहीं, व्यतिरेक होते व्यतिरिक व्यक्ति के द्वारा, व्यतिरिक व्यक्ति के द्वारा, मतलब ये नहीं होने से ये नहीं हो सकता, ये अभिप्राय। प्रकरणस्य तात्पर्यम् एवं दर्शयित्वा प्रथम श्लोकस्य तात्पर्यम्, इस प्रकार से इस बलात् शांति प्रकरण की तात्पर्य किसमें है वो कथन करने के बाद अब श्लोक की तात्पर्य को कहते हैं भगवान नाश, ठीक है ना, इस प्रकरण की तात्पर्य को पहले कथन, प्रकरणस्य तात्पर्यम् एवं दर्शयित्वा, इस प्रकरण की तात्पर्य को इस प्रकार से दिखा करके प्रथम श्लोकस्य तात्पर्यम्, पहला श्लोक का क्या तात्पर्य उसको कहते हैं भगवान नाश। यहाँ पे तत्र
तत्र कहाँ से शुरू होगा इसका कि तत्र अद्वैत दर्शन संप्रदाय कर्तु अद्वैत स्वरूपेण एव नमस्कार अर्थ अयम आद्य श्लोक मिला भाष्य के द्वितीय पंक्ति के बीच में है तत्र एक प्रतीका यहाँ पे तत्र अद्वैत दर्शन संप्रदाय कर्तु अद्वैत स्वरूपेण एव अद्वैत संप्रदाय के दर्शन कराने वाले जो करता है संप्रदाय के आचार्य मन उनको यदि आप नमस्कार करना चाहते हैं तो उसको जो है अद्वैत की दृष्टि से नमस्कार करें अद्वैत स्वरूपे ने अद्वैत स्वरूप में अब नमस्कार अर्थ अयम आद्य श्लोक पहला श्लोक निकाल रहे वहां तो यहाँ पे स्त्री बोलते हैं जो हाँ तत्र चतुर्थ प्रकरण सप्तम्य परामर्श सप्तमी व्यक्ति कहाँ पे उस पंक्ति में तत्र हाँ तत्र भोगे स्वप्न में ये चतुर्थ प्रकरण शब्द मतलब चतुर्थ प्रकरण के शुरू में तत्र अद्वैत दर्शन मतलब चतुर्थ प्रकरण के शुरू में अद्वैत संप्रदाय के आचार्य को नमस्कार अद्वैत के ढंग से किया जा रहा है इसलिए तत्र चतुर्थ प्रकरण सप्तम्य स्वप्न में तत्र पद के द्वारा उसको परामर्श किया जाता है किमिति अद्वैत रूपेण आचार्य नमस्क्रियते तत्र अद्वैत आचार्य को अद्वैत भाव से नमस्कार करता था तो संस्कार अद्वैत भाव से करना चाहिए तब बोलते हैं कि जो है आचार्य पूजा ही अभिप्रेत अर्थ सिद्धि अर्थ ईश्वर शास्त्र आरम्भ है ना आचार्य पूजा अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए शास्त्र के शुरू में उनकी पूजा किया जाता है हमारी परंपरा की मर्यादा है जिस अभिष्ट वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते उसके लिए गुरु पूजा हर जगह है सनातन परंपरा में गुरु पूजा की प्रसिद्धि आप देवी देवताओं की पूजा अलग है और हम रोज बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर एक गुरु में सब देवता विद्यमान है हमारी अभिष्टि खुल जाए तो किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है एक पूजा पर्याप्त होता है किसी देवी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं है इसलिए आप बोलते हैं आचार्य पूजा ही अभिप्रेत अर्थ सिद्धि सिद्धार्थ ईश्वर आचार्य पूजा अपने अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उपयोगी है कब शास्त्रारंभ शास्त्र की शुरू में आचार्य की पूजा अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उपयोगी है ऐसा कहना चाहते हैं पांच नंबर टिप्पणी पर लिया था शासकत्वात् प्रकरण यह शास्त्र शासनात्रायते इति शास्त्र जो अपने अनुशासन के द्वारा आपको रक्षा करते हैं इसलिए शास्त्र हो गया शासक अपने अनुशासन के द्वारा आपको रक्षा करते हैं ये बोले अच्छा यहाँ पे टिप्पणी दिखाई पड़ रही कितना नंबर है 13 नंबर किमिति अद्वैत बारह कहते लिखा पड़ गया था किमिति अद्वैत रूपेण आचार्य नमस्क्रियते तत्र आह यहाँ प्रश्न दिखाते ब्रह्म 13 नंबर ब्रह्मत्व धिया नमस्कार अद्वैत आचार्य पूजा भवति न तो भेद धिया इति सूचयन आह है देखिए ये व्यापकता की भाव से अपनी पूर्णता को चिंतन करेंगे ना यही आचार्य की पूजा है यही आचार्य की पूजा है ना इसलिए ये ब्रह्म ठीक है व्यवहारिक जगत में अब हमारी अंदर की भाव है किंतु दो चीज होता है आचार्य जो पद में जो बैठा लोग शिक्षा के लिए भी होते हैं सभी व्यक्ति को अद्वैत सिद्धांत तो शुरू में नहीं समझ पाएंगे परंतु भगवान को प्रणाम करना ईश्वर के पास अपनी बात को बोलना वो भी तो सिखाना है इसीलिए यदि करते भी है तो ये भाव रहता है कि भाई ये लोग शिक्षा के लिए जब मैं आऊँ और इससे कोई हमारा अंदर के हम तो समझे मिलते किसी के साथ कोई अभिवादन आदि नहीं है तो फिर हमने अपने पर दूसरा क्या शब्द बिल्कुल घमंडी है मान इसलिए ये लोक शिक्षा के लिए हम व्यावहारिक मर्यादा को रक्षा करेंगे और अंदर से हमारा निश्चय भाव रहेगा तो अभिन्नता ही पूर्णता ही हमारा एकमात्र नमस्कार है ना सभी के साथ अभिन्न भाव यही नमस्कार एकत्व बुद्धि सभी से अभिन्न किंतु भेद बुद्धि से राग द्वेष होता है भेद बुद्धि नहीं है तो राग द्वेष नहीं है तो यही सबसे श्रेष्ठ नमस्कार है यही सबसे श्रेष्ठ नमस्कार इसीलिए हम बोलते हैं किमिति अद्वैत रूपेण आचार्य नमस्क्रियते आचार्य को अद्वैत भाव से क्यों नमस्कार किया जाता है तब से इसको आगे उत्तर में ये बोला यहाँ पे 13 नंबर ब्रह्मत्व धिया मतलब व्यापकता व्यापकता की बोध के द्वारा नमस्कार इस प्रकार अद्वैत आचार्य पूजा भवति है ना ये अपनी व्यापकता की बुद्धि ही अद्वैत संप्रदाय के आचार्य की पूजा है इस पूजा के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा क्या सामान लाना पड़ेगा बहुत बड़ा खर्चा होता है क्या होता है अपने अहंकार को बलि देना सबसे बड़ा समस्या यही पे होता है करोड़ों रुपया खर्चा करना आसान रहता है एक अहंकार और जुड़ जाता है मैं इतना खर्चा किया माता कबीर ने बोला अगर शीश दे के गुरु मिले तो भी सस्ता आ जा अद्वैत परंपरा इसलिए इतना महंगा पड़ता है क्योंकि आदमी को पूरा बलि चढ़ाना पड़ता है
भगवान श्री कृष्ण भी इसको बोला चतुर्थ तम है, कई बार बोलते हैं दैव मेवा परे यज्ञ जगिन प्रतिपसते ब्रह्मान अपरे यज्ञ जगने प्रतिपति। कुछ लोग तो देवी देवताओं को उद्देश्य द्रव्यात्मक जाग करते हैं, परंतु कुछ लोग क्या करते हैं व्यापकता की आग में अपने द्वारा अपने का होते देते हैं। मतलब व्यापकता की आग में अपने द्वारा मतलब परिच्छिन्न अहंकार के द्वारा अपने जीवत्व को आहुति दे देते हैं, अपने जीवत्व को दे देते। ये भगवद गीता जो चतुर्थ अध्याय 25वां श्लोक तो वहाँ पे यही बोलते हैं कि मैं तो अद्वैत रूपेण आचार्य नमस्कृत आचार्य पूजा ही अभिप्रेत अर्थ सिद्ध सिद्धि अर्थ ईश्वर शास्त्र आरंभ है। अच्छा फिर आगे बोलता है ये अभिप्रेत अर्थ क्या है, यहाँ भजन अभिप्रेत अर्थ टीकाकार अभिप्रेत अर्थ शास्त्र से अभिघ्न परिसमाप्ति देखिए ये मंगलचरण के मुख्य जो है शास्त्र अभिघ्न रूप में उसका जब परिसमाप्ति हो जाए। और दूसरे बात यहाँ पे टिप्पणी कार बोला था कि प्रचार, प्रचार मतलब क्या है गुरु शिष्य परंपरा से शास्त्र के पठन पठन के द्वारा सभी को लाभ होगी प्रचार, ये सेकेंड मंगलाचरण के पीछे हमारे ग्रंथ हम निर्विघ्न में परिसमाप्त कर सके। देखिए बात को पद्मपदाचार्य अपने ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाए, मंगलाचरण किया था कि आचार्य की बात को नहीं माने समस्या हो जाता है, इसलिए माना किए थे। हाँ उसको तो फिर भी बोध को जला दिए थे उनके मामा उनका ग्रंथ को, मतलब आचार्य को एकदम मेहनत ही सारा याद था ठीक है दोबारा लिख लो। तो इस प्रकार से जो है ये बोले थे मत जाओ वहाँ पे, बाकी हिस्से यहाँ पे पूरा कर लो, पूरा कर लो सामने बैठ करके ब्रह्मसूत्र को बचो टीका लिखा था। परंतु उनका क्या मतलब यही है प्रारब्ध की बलवान होता है और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे पद्म पदाचार्य पहला से पढ़ा तो इतना बलवान होता है कि देखिए कि गुरु इच्छा से भी विरुद्ध कार्य हो जाता है। और वो व्यक्ति जो व्यक्ति गुरु की आवाज़ सुनकर के गंगा को ऐसे चल पड़े थे क्योंकि सामान्य व्यक्ति नहीं थे जिसके लिए उनके लिए बलवान पड़ता है, वो व्यक्ति को देखिए प्रारब्ध कितना बलवान होता है कि गुरु आज्ञा को भी अवज्ञा कर दिया। ये सब चीज हमारे सामने दृष्टांत के रूप में विद्यमान है, महान पुरुष के बहुत पहले की बात नहीं है, कुछ साल पहले की बात है। श्री अभिप्रेत अर्थ शास्त्र अभिघ्न परिसमाप्ति, शास्त्र को विघ्न रहित रूप से परिसमाप्ति हो जाए तद अर्थ उसके जो है यहाँ पे जो शास्त्र रंग में आचार्य रूप में पूजा किया जाता है। और विप्रतिपत्ति आदि व्यापृतिश्च इस ग्रंथ का उल्टा बोध न हो जाए, विप्रति विरुद्ध प्रतिपत्ति विविध प्रतिपत्ति एक चीज आपने लिखा इसका अभिप्रेत अर्थ क्या है आपने लिखा, परंतु कोई पढ़ के कुछ उल्टा अर्थ बना लेता है अथवा आपस में विवाद करने लगते हैं ये अपने दे, ये ना हो पाए। भगवान जिस अभिप्राय से मैं लिख रहा हूँ ये सही में ये जो देखिए टिप्पणी कार ने जो टिप्पणी लिखा ये टिप्पणी लिखने से भी कौन से बात को मैं अभिप्रेत अर्थ क्या था जो कि वो परंपरा से नहीं था, अचानक कोई व्यक्ति पढ़ेगा कुछ भी नहीं समझ पाएगा, आगे पीछे कितना भी अच्छा संस्कृत जाने संस्कृत जानने वाला बहुत मतलब टीचर होते हैं मतलब कॉलेज के टीचर होते हैं हमसे अच्छा संस्कृत जानते हैं, परंतु वेदांतिक परंपरा से कैसे होना है वो मुश्किल पड़ता है परंपरा से पढ़े बिना। इसीलिए आगे बोलते हैं कि विप्रतिपत्ति आदि व्यापृति ये विप्रतिपत्ति आदि मतलब विवृद्ध प्रतिपत्ति अथवा जो अप्रतिपत्ति आदि से कहते हैं अप्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति नहीं समझना ये सब सुनिए ये भी नहीं जिस अभिप्राय से मैंने लिखा किसी को भी भगवान भाष्यकार जो भाष्य लिखे थे उनके मन में ये नहीं था कि मेरा भाष्य को आनंदगिरि टीका से लोग को समझ में आएगा और कैलाश के कोई पीठाधीश स्लिप पर लिखे तो भाष्य समझ में आएगा, भाष्यकार तो अपनी तरफ से जितना शब्द लिखे उतना पर्याप्त है, चैतन्य समझे ना टीका ना टिप्पणी कुछ नहीं लिखे थे केवल भाष्य भाष्य कर दे वो तो केवल हम अपनी मनोवृत्ति को रोकने के लिए मनोवृत्ति के होंगे एक भाष्य पर के मन समय और साल में एक ही और बोलते थे एक उपनिषद पढ़ो पूरा श्लोक याद करो भाष्य याद करो उसका मनन करो, एक समय बोला पूरा एक समय सुप्रसिद्ध का भाष्य याद हो गया था मेरा सोशल वो किसी को याद को रखने के लिए थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है, अभी अभ्यास नहीं होने से एक साल में एक उपनिषद पढ़ो उसका भाष्य उसके उपनिषद मंत्रों को तो आपको रोज पाठ में अपने आप ही सुनाएंगे मंत्रों को और सबको जितना भी सबको सुनाना पड़ेगा मंत्रों को बिना लिखे उसका विचार करो मनन करो सूत्र मंत्र अर्थ को बार बार विचार करो चिंतन करो। और देखिए अभिप्रेत अर्थ आकाश से अच्छा अब जो है
श्लोक में क्या है, ज्ञानेन आकाश कल्पेन, ठीक है ना, तो आकाशेन ईषत समाप्त आकाश कल्पम, कल्प मतलब लिटिल लेस देन दैट, उस अर्थ में बोलते हैं। तो आकाशस्य जगत आधिक्यात् ज्ञान स्वप्रकाशम आकाशेन ईषत समाप्तम वक्तव्यम्। देखिए आकाश हम दृष्टांत देते हैं, आकाश दृष्टांत में ग्रहणीय क्या है और अग्रहणीय क्या है। आकाश दृष्टांत में ग्रहणीय है आकाश की व्यापकता और असंगता, परंतु आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश जड़ है, ये ग्रहणीय नहीं है। दृष्टांत के सारा भाग यदि ग्रहणीय होगा तो दृष्टांत ही नहीं बन पाएगा, कुछ एक भाग को लेकर के दृष्टांत दिया जाता है। इसलिए बताए आकाश, आकाश का जड़त्व अधिक का, आकाश में व्यापकता भी है असंगता भी है, परंतु एक अधिक वस्तु क्या है, जड़त्व जड़ है आकाश, जो भी चीज उत्पत्तिशील वस्तु है सारा जड़ है, सारा उत्पत्तिशील वस्तु जड़ है एकमात्र। अतएव बृहत्पाद में आया हूँ ना, बृहत्पाद, बृहत्पाद में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सबको उत्पत्ति दिखाया, सबको उत्पत्ति दिखाने के बाद आत्मा के भीतर सबको उत्पत्ति, ब्रह्म अथवा आत्मा का उत्पत्ति होगा नहीं, आत्मा के शास्त्र ने सब आपको नहीं सुनाई दिया, इसीलिए आत्मा अतएव, इसलिए यही एक चेतन है, चेतन की उत्पत्ति नहीं होगी, जड़ की उत्पत्ति होगी। आप खुद सोचो, ये निश्चय यदि आपको रहेगा तो आप अपने को चेतन मानते हो कि जड़ मानते हो, बोलो चेतन, तब तुम्हारी उत्पत्ति नहीं है, तुमको तुम्हारा जन्म मृत्यु नहीं है, क्या वेदांतिक सिद्धांत है। देखो तुम अपने को चेतन मानने के लिए तैयार हो परंतु मैं मर जाऊंगा ये भी सोच लो, ये कैसे हो सकता है, चेतन की उत्पत्ति नहीं होती, चेतन की मृत्यु भी नहीं है, चेतन जड़ की उत्पत्ति है, जड़ का नाश होना भी है। आकाश से जड़त्व अधिक, आकाश में जड़त्व धर्म अधिक होने कारण और ज्ञानम सब प्रकाशम आकाश ने, इसलिए ज्ञान को जो स्वयं प्रकाश है, इसीलिए आकाश के साथ थोड़ा कम है, आकाश से थोड़ा कम है, उसमें क्या कमी है, जड़त्व की कमी है, इसलिए ईश्वर कल्प हम इसलिए होता है, ईश्वर असमाप्तम, ईश्वर असमाप्तम उससे पूर्ण रूप से समाप्त है, थोड़ा सा कमी रहेगा वक्त वक्त, ऐसे यहाँ पे बोलना चाहिए। तो पंद्रह नंबर आकाश से जड़त्व आधिक का पंद्रह नंबर टिप्पणी में देखिए, जड़त्व आधिक क्या सूक्ष्मत्वादि उभयत्व, आकाश सूक्ष्म है, आकाश व्यापक है, आकाश असंग है, ये दोनों जगह पर समान है, आत्मा में आकाश समान है, परंतु जड़त्व आकाश अधिकम, आकाश में अधिक क्या है जड़त्व और आत्मा में क्या है चेतन, ये दोनों में भिन्नता है, तस्मा इसलिए आकाश से जड़त्व आधिक्का तस्मात ज्ञान स्वप्रकाशम आकाश नैषद असमाप्त वक्तव्य, आकाश से थोड़ा सा कमी रह जाता है, ये यहाँ पे कहना चाहिए। अच्छा तो यहाँ पे आकाश नैषद असमाप्त आकाश कल्पम आकाश तुल्यम इत्येतत् तेना आकाश कल्पेन ज्ञानेन, इस आकाश से थोड़ा कम है जिस ज्ञान में, उस ज्ञान के द्वारा किम धर्मान, उस ज्ञान के द्वारा धर्मान मतलब आत्मन जीव हो, क्या कहते हैं किम विशिष्टा, वो जीव भी कैसा है, ज्ञान भी आकाश सदृश है, ये भी गगन सदृश, गगन और गमन, तो मैं बोला था आकाश और गगन दो शब्द प्रयोग करने में भिन्नता क्या है, ज्ञान में अशुद्ध तो हमेशा है परंतु गगन में जो है ना वो जो धुआं बादल तारा का ये सब दिखाई पड़ता है, मतलब जब तक उसके से उसका संबंध नहीं है, प्रतीति होती है, इसी प्रकार जन्म मरण आदि जीव में प्रतीति होती है, इसलिए अब गगन शब्द अलग है। गगन में क्या है आकाश को मतलब कहता असमंतात काशते इति आकाश, चारों तरफ समान रूप से पड़ता है, और गगन मतलब यहाँ पे क्या होता है कि वो जिसमें कोई वस्तु दिखाई देता है, जिसमें कोई वस्तु दिखाई देती है ना, तो इसलिए जो वस्तु दिखाई देते हैं परिच्छिन्न रूप में छोटा छोटा वस्तु दिखाई देते हैं, मतलब हमारी वृत्तियाँ हमको दिखाई देते हैं, वही सब चीज़ यहाँ पे भिन्नता को लेकर के बोल रहे हैं। तो यहाँ पे विभुत्वाद उपमा द्रष्टव्या, आप जरा गूगल किशोर जी अपने मोबाइल को थोड़ा म्यूट करें, गूगल किशोर जी अपनी मोबाइल को थोड़ा म्यूट करें। हाँ यहाँ पे क्या बोलते हैं किम विशिष्टान गगनोपमान, गगनोपमान जैसा ते गगनोपमान तान आत्मनो धर्मान, वो जो आप जीवों को मतलब धर्मान मतलब द्वितीय वो वचन है ये
जब जीवों को जो आपने सभिन्न रूप से आकाश के समान व्यापक जीव देखिए, यहाँ पे आकाश एक है, जीव में क्या कर दिया, धर्मान बहुवचन प्रयोग कर दिया, जीव अनेक है क्या, परंतु यहाँ पे उपाधि से अनेक प्रतीति होते, इसलिए यहाँ पे वहां पर द्वितीय बहुवचन प्रयोग किया, वहां पे आत्मनो धर्मानि तम पर लिए थे। यहाँ पे जो है वक्तव्य विभुत्वादो उपमा द्रष्टव्य, ये आकाश की उपमा यहाँ पे किसमें ग्रहण करना है, विभुत्व असंगत इस इतना हिस्से में ग्रहणी है वो, विभुत्वादो उपमा द्रष्टव्य। सात नंबर टिप्पणी में क्या होता है, जड़त्व आग्राही, आकाश की जड़ता को ग्रहण मत करो, दृष्टान्त दृष्टान्त में उसका ग्रहण नहीं होगा, दृष्टान्त में क्या हो जाएगा, केवल मात्र विभुत्व का ग्रहण करो, विभुत्व असंगत एक एक ग्रहण करना, सूक्ष्म तीन ग्रहण होगा, और जड़त्व आज उत्पत्ति विनाशील ये ग्रहण नहीं होगा, ये बोलते हैं जड़त्व माँ ग्राही, जड़त्व ग्राही से लुंग लगा के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, यदि आह विभुत्वादि। अच्छा फिर आगे देखिए, बहुवचनम उपाधि कल्पित भेद अभिप्रायम, बहुवचन का है धर्मान है ना, तो आकाश कितना है एक, और जीव कितना है अनेक, बोलते हैं जीव भी अनेक नहीं है, और आत्मदृष्टि से देखोगे तो आत्मा एक है, उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होते हैं, बहुवचन में यहाँ पे जो बहुवचन प्रयोग किया धर्मान, वो कहता है उपाधि कल्पित भेद अभिप्राय, उपाधि से कल्पित भेद को लेकर के ऐसा कहा गया है। आठ नंबर टिप्पणी में गगनो उपमत्वे, गगनवत एकत्व औचित्य, आकाश यदि एक है और आकाश के समान दृष्टांत दिया तो यहाँ पे ये भी तो ग्रहण होगा, तो एक ही होना चाहिए, गगन उपमते यदि आकाश को उपमा के रूप में कहा तो गगनवत एकत्व औचित्य, तो गगन की तरह ये भी एक होना चाहिए, प्रथम बहुवचन बहुवचन का प्रयोग कैसे कर दिया आपने, इत्यत आह बहुवचन क्या बहुवचन क्यों दिया, बहुवचन उपाधि कल्पित भेद अभिप्राय, जिस प्रकार महाकाश तो एक है, घटाकाश पटाकाश मठाकाश कड़काकाश कमंडलाकाश अनेक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, वो क्यों हुआ, उपाधि भेद से प्रतीति होती है ऐसे, परंतु वास्तविक आकाश तो एक ही है। अच्छा अब जो है आगे देखिए बोलते हैं, तेषां चिन्ह मात्रत्वं विवक्षित्वा उक्तम, ये जो जीव है ये भी चैतन्य मात्र ही है ना, तेषां जीवानां पांच नंबर, तेषां धर्मानां ठीक है ना, जीवानां मतलब नौ नंबर टिप्पणी में, तेषां धर्मानाम जीवनम चीन मात्र बोधनार्थ मुखे पर शुद्ध चेतन मात्र एव ज्ञेय अभिन्न न, क्योंकि ज्ञेय जो क्या अज्ञान दोनों एक ही प्रकार से एक अभिन्न रूप में जो कथन कही थी, ज्ञानस विशेषण हम इस प्रकार से ज्ञान को विशेषित किया, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तीनों ही चीन मात्र शुद्ध एक वस्तु है, इति उक्तम अन्यथा स्पष्ट तद अनुश्लोक में ये स्पष्ट तद अनुक्ति प्रसिद्ध है ना, यदि ये यदि स्पष्ट होता तब इसका उत्पन्न मतलब अनुक्ति प्रसंग का नहीं कहना ही प्रसंग आ जाता, परंतु इसको समझाने के लिए क्या हमारे यहाँ पे बाहर में क्या देखते हैं, ज्ञान ज्ञानता ज्ञेय तीनों भिन्न होता है, परंतु यहाँ पे ये तीन भिन्न नहीं है, है ना, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से जब तक तीनों को दिखाया, एक ज्ञान दिखाया एक ज्ञाता दिखाया एक ज्ञेय दिखाया, ठीक है ना, परंतु तीनों अभिन्न रूप, इसलिए हमें बोलते हैं तेषां धर्मानां चिन्ह मात्र बोधनार्थम एव ज्ञेय अभिन्नेन ज्ञाभिन्नेन संबुद्ध, आया कहाँ पे तृतीय पाद के पहला शब्द ज्ञाभिन्नेन संबुद्ध, इसलिए बोलते हैं ज्ञाभिन्नेन इति ज्ञानस्य, ये ज्ञान और ज्ञेय दोनों एक ही वस्तु है, जिसको आप जानेंगे जिसके द्वारा जिसको जानेंगे, ज्ञान ज्ञेय वस्तु होता है जानने योग्य वस्तु, और जानते किससे, ज्ञान के द्वारा जानता कौन है, ज्ञाता, तो ज्ञाता भी चिन्ह मात्र व्यापक है, ज्ञेय भी चिन्ह मात्र व्यापक है, और ज्ञान तो चिन्ह मात्र व्यापक है, इसलिए शुद्ध से अभी नहीं थी ज्ञान से विशेषण, इस प्रकार ज्ञान को भी इति उक्तम अन्यथा अन्यथा स्पष्ट अनुक्ति, इस प्रकार यदि नहीं कहता तो मतलब इतना स्पष्ट नहीं होता, यदि स्पष्ट होता तब क्या होता है इसका कथन नहीं करते, परंतु इतना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञान कहता है भिन्न रूप में दिखाई पड़ता उसका प्रसंग है, एतद् विशेषण अनुपादाने च धर्मानां नियमात्रत्व अवगत्य जड़त्व आधिक्यं संगति, यदि इस विशेषण को नहीं देते तब क्या होता धर्मानां, क्योंकि हमें क्या होता है धर्मों को मतलब जीवों को जाना था, ठीक है ना, ज्ञानेन आकाश कल्पेन जह, ये नॉमिनल सिंगुलर है, जो व्यक्ति ने धर्मान गमनोगमन जीवों को जाना था, तो जीवों को जब जाना था तब बोलते एतद् विशेषण अनुपाद धर्मान, धर्म क्या हो जाएगा ज्ञेय मात्र हो जाएगा, ज्ञेय मात्र अवगत्या जड़, तो ज्ञेय वस्तु क्या होता है जड़ होता है,
ज्ञेय वस्तु जड़ होता है, ज्ञाता चेतन होता है, ज्ञेय जड़ होता है। तो जीव को जब ज्ञेय दिखाएंगे आप तब क्या हो जाएगा, वो भी जड़ हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं ज्ञेय मात्र अवगत जड़त आदित्य संकेत तन्मा संकी, ऐसा शंका ना उत्पन्न हो जाए। क्यों? वो जो ज्ञेय है ना जीव, वो ज्ञेय जो ज्ञान स्वरूप ही है, वो ज्ञान स्वरूप ही है, इसलिए वहाँ पे जड़त्व की शंका नहीं है। माँ संकेत ये तद विशेषण, इसलिए ऐसे विशेषित किया गया है ज्ञेय अभिन्न न संकुद्ध, है ना। जो ज्ञान मतलब ज्ञेय को अपने अभिन्न रूप से जान लिया था, ज्ञान आत्मा है अपने स्वरूप का, ज्ञेय वस्तु जीव जो है नारायण को लेकर के बोल रहे हैं यहाँ पे। जिस किसी को भी ज्ञान होता है, जिस किसी को भी ज्ञान होता है संसार सारा वस्तु को अपने अभिन्न रूप से जानता है, अपने अभिन्न रूप से जानते हैं। इस अभिप्राय से यहाँ पे बोलता है तेषाम अभी चिन्मात्रत्व विवक्षितम तेषाम अभी हो गया। ज्ञानस्य एव पुनर्विशेषणम ज्ञेयैर् धर्मे आत्मभिः अभिन्नम, ज्ञान जो है ज्ञेय जानने जो उसके धर्म जो आत्मा है उससे अभिन्न है। यह कैसा भिन्नता है? अग्नि उष्णवत् अथवा सवित्र प्रकाशवत् ज्ञान तेन ज्ञे अभिन्न, इस प्रकार ज्ञान और ज्ञेय दोनों अभिन्न है। ज्ञान और कैसा भिन्न? जैसे अग्नि की उष्णता अथवा सूर्य की प्रकाश अभिन्न वस्तु, इसी प्रकार ज्ञान और ज्ञेय दो भिन्न वस्तु। ज्ञानेन आकाश कल्पेन ज्ञेय आत्मस्वरूप स्वरूप अव्यतिरेकित अव्यतिरिक्त, ज्ञान जो आकाश के समान है और ज्ञेय के स्वरूप से अभिन्न रूप में भिन्न हो गगनोपमन आकाश के समान है। इस प्रकार जीवों को जो संबुद्ध जिसने अतः समस्त अलग अलग वस्तु को अपने अभिन्न रूप से जान लिया था संबुद्धवान अयम एव ईश्वर जो विषय ईश्वर है यही नारायण है उसको तम बंदे अभिवादे द्विपदम वरम द्विपद उपलक्षितान पुरुषानम वरम समस्त पुरुष विशिष्ट पुरुष है प्रधानम पुरुषोत्तम इति अभिप्राय। टीका में देखिए तेन इत्यादि पुनरअनुवादेन अन्वयम व्याचष्टि ज्ञानम, फिर आगे देखिए तेन ज्ञेय अभिन्न मिला आपको भाषा में विषय बोलते हैं तेन, इसके द्वारा क्या तेन इत्यादि इस प्रकार पुनः दोबारा जो बोल रहे हैं ना, पहले भी बोल के आया था ज्ञेय धर्म भी आत्मवीर अभिन्नमत नुष्णवत, फिर उसको बोलते हैं तेन ज्ञेय अभिन्न ज्ञान आकाशकल में, ये जो बोल रहे पुनर्मन है ना अन्वयम व्याचष्ट, इसको अन्वय को दिखा रहे हैं ज्ञान, जहाँ जहाँ ज्ञान होगा और ज्ञेय के सब अभिन्न रूप में ज्ञान होगा उसका, वो आत्मज्ञान ऐसा ही ज्ञान है ज्ञेयों के सब अभिन्न। कहाँ यहाँ पे जो ज्ञान होता है जो विषय ज्ञान होता है अपने से भिन्न रूप में ज्ञान होता है, जो आत्मज्ञान होता है तो क्या होता है हम शरीर को देखेंगे भिन्न देखेंगे, उसी के अंदर आत्मा को देखेंगे अभिन्न देखेंगे, ये भी सभी पैसे बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे तेने इत्यादि पुनर्वधुमानंद आप देखिए कितना सुंदर शब्द होते हैं। आचार्य जो ही पूरा बदरिकाश्रमे नर नारायण अधिष्ठित नारायणम भगवंत अभिप्रेत तपो महत्पद, ये जो मतमांडू का कार्यकार गौर पदाचार्य आचार्य जो ये पूरा मतलब पहले आपको क्या दिखाई पड़ता है वैश्रम सुख गौर पदम सुख सुख के बाद गौर पदाचार्य है, दंडे के बीच में ज्ञान है नहीं, सुखदेव भी लंबा समय तक गौर पदाचार्य भी लंबा समय तक, इसलिए आचार्य पूरा बदरी का समय ये बद्रीनाथ धाम में नर नारायण बद्रीनाथ धाम क्यों प्रसिद्ध है, नर और नारायण दोनों पर्वत एक साथ अधिष्ठित है, नर नारायण अधिष्ठित, यहाँ पे नर भी विद्यमान है नारायण भी विद्यमान है अधिष्ठित है नारायणम भगवंत भगवान नारायण विष्णु को अभिप्रेत उसको ध्यान में रखते तपो महत्तप महान तप किए थे और उस तप के फलस्वरूप नारायण प्रसन्न होकर के उनको ये अजातवाद की सिद्धांत उत्पन्न रखे दिया। ना आचार्य गौरपाद आचार्य तप के द्वारा इस चीज को प्राप्त किया विचारात्मक तप के द्वारा अथवा नारायण पर्वत में बैठ करके तपस्या के फल स्वरूप नारायण के प्रशस्त बजार पद को प्राप्त किए थे। इसलिए आचार्य ही पूरा बदरी कष्टमय नर नारायण अधिष्ठित नारायणम भगवंतम नरणम भगवंतम अभिप्रेत तम संतोष अर्थ भगवान नारायण को संतुष्ट करने के लिए बैठ करके महान तप किए थे, तब जाकर सृष्टि की सत्यत्व भगवान ने समझाया अरे सृष्टि कुछ किया ही नहीं मैंने तो मेरा कल्पना नहीं है, ये अभिप्राय है विप्रत तप महत तत् भगवान अति प्रसन्न तस्मय विद्म प्रदात है ना, इससे भगवान अत्यंत संतुष्ट होकर के उनको इस ज्ञान प्रदान किए थे।
ठीक है ना, एक परंपरा से जनाया था। तत् भगवान अति प्रसन्न भगवान नारायण अत्यंत संतुष्ट होकर दसवें आचार्य जाय उस आचार्य प्रति विद्यां प्रदा, इस विद्या को दान के लिए सिद्धम परम गुरुत्तम परमेश्वर पूर्वेशम अभी गुरु कालेण छेदा नारायण पद्म भगवत मतलब गुरु का भी गुरु है वो पूर्वेशम अभी गुरु कालेण छेदा समस्त गुरु का गुरु है ये आचार्य जो परंपरा के श्री बोलते हैं। तत् भगवान अति प्रसन्न दसवें विद्यां प्रदा इति सिद्धम परम गुरुत्तम नारायण परम गुरु है मतलब पहला गुरु है गुरु का भी गुरु है परम श्रेष्ठ गुरुत्तम परमेश्वर से परमात्मा श्रेष्ठ गुरु है इति भाव इसका अंतर भाव है। वारणम पर टिप्पणी में गुरुत्वेन सुख संग्रह धनयति नापि सुख विद्या गुरु को तिगोर पदा जाकर सुख व्यासम सुखम गौरव पदम माता उसको भी आगे ध्वनित करते हैं परम गुरुत्तम जब गुरु परम गुरु दादा गुरु इस प्रकार से बोलते हैं ना उसको ध्वनित करते हैं। गुरु तेन सुख संग्रह सुख सुखदेव तो संग्रहित किया गया वहाँ गौर पाद में किया गौर बिहार आनंद जी लिख रहे हैं ना मतलब वो हमारे आचार्य जो परंपरा को समझ दिखा रहे हैं गौर पदाचार्य को मतलब मन में नारायण से नित्य वैद्य मन बैठे नारायण के पास अच्छा हुआ आनंद गिरी जी दिखा रहे हैं गौर पदाचार्य को मतलब मन में नारायण से बैठा हुआ इसलिए बोलते उसको संग्रह करने के शुद्ध संग्रह एकदम धोने तो उसको ध्वनि करते हैं परम गुरु है। इसीलिए योग दर्शन में लिखा ना ईश्वर की परिभाषा में पूर्वे से हम अभी गुरु कालीन अनुच्छेद योग दर्शन ईश्वर की परिभाषा देते हुए ये परिभाषा देते हुए से पता चल समस्त गुरुओं का वो गुरु है क्योंकि वो कभी काल के द्वारा परिचित नहीं होता अच्छा परम गुरु ननु प्रकरणे प्रारभ्य माने प्रतिपाद्य प्रमेय वक्तव्य किमिति उपदिष्ट नमस्क्रियते आप किसी प्रकरण को शुरू करना चाहते हैं आप आपके प्रकरण में क्या कहेंगे उसको प्रतिज्ञा करिए आप नारायण को नमस्कार करने लगे ये किस बात की आप किसी प्रकरण को शुरू किसी कुछ कहना चाहते हैं तो आपको पहले क्या होना चाहिए प्रतिज्ञा वाक्य होना चाहिए क्या मैं ये कहूँगा इस प्रकरण में आप वो नहीं कहते पहले आचार्य को प्रणाम करने लगे किस बात की है इसलिए बोलते ननु प्रकरण प्रारंभ है मैंने किसी नया प्रकरण को जब शुरू किया जा रहा है उस समय प्रतिपाद्य प्रमेय वक्तव्य क्षति जो प्रतिपादन करना चाहते हैं जिन विषय को प्रमेय को उसको आपको पहले बोलना चाहिए वक्तव्य क्षति कि उपदेष्टा नमस्क्रिया थे उपदेष्टा को नमस्कार करने लगे बोलते हम जो कुछ बोलते हैं ना हम अपने अभिमत को नहीं बोलते हैं हम गुरु परंपरा के अभिमत को बोलते हैं संत परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त है वही हम बोलते हैं हम अपने अभिमत कुछ नहीं बोलते इसलिए हम उन्हीं को नमस्कार करते हैं प्रतिपाद्य प्रमेय वक्तव्य किमित उपदेष्टा नमस्कृत तेरा नंबर टिप्पणी प्रतिपद्य इति पाठे मंगलपद्य इति प्रमेय सूचनस्य आवश्यकते सति किम निमित्त नमस्कार मात्रं कियते मंगल आप जब मंगलाचरण किए थे उस मंगलाचरण में आपको क्या करना चाहिए था जिस प्रमेय वस्तु का आप कहटन करना चाहिए वो कहना चाहिए था आपको आपने गुरु आचार्य तो परंपरा को नमस्कार करने लगे ऐसे क्यों करते हैं आपको आप जो है जिस वस्तु को प्रतिपादन करना चाहते हैं उसको आपको कहना चाहिए था बोलते उसी को तो हमने कहा आचार्य की नमस्कार माध्यम से क्या कहा ज्ञान ज्ञाता ज्ञान में भिन्नता नहीं है इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं नु प्रकरण आनंदगिरी देखिए कि शब्दों के पीछे कैसे शंका उठा देते हैं प्रकरण प्रारंभ में प्रतिपाद्य प्रमेय वक्त प्रकरण की शुरू में प्रतिपादन करना चाहते हैं जिस विषय को उसको आपको बोलना चाहिए कि मैं उपदेष्टा नमस्कार करते हैं उपदेश के नमस्कार क्यों करते हैं उपदेष्टा के नमस्कार के माध्यम से हम अपने प्रमेय वक्तव्य वस्तु को कहना चाहते हैं प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारा प्रतिज्ञातम शंकराचार्य शूद्रभाष्य वंदे
भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो दुर्गाग्ने मूर्तिभेदविहारिणे यो मद्यादेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः।